अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एम आई किचन एंड ब्लॉग्स हो चुका है ये चैनल। इस पर मैं वीडियोस भी डालूंगी किचन की, और ये मेरा फर्स्ट हूँ अपनी खाला के घर, तो वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैं उनके घर पे पहुँच कर हमें जाना है मॉल, तो चलें फिर चलते हैं। ये देखें मैं पहुँच चुकी हूँ और हम मॉल में एंट्री किए हैं। यहाँ पर हम चेसअप पे आए हैं, खाला को कुछ लेना था तो इस वजह से। तो यहाँ पर देखें अफ़ान भी आए हैं, और अफ़ान को हमने ट्राली के अंदर बिठा दिया है, वरना ये इधर उधर भागते फिरते हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे तो खैर कुछ लेना नहीं था, क्योंकि मैं खाला के घर आई थी तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने कहा आप भी चलें। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बस यही लिया था, कुछ खाने की चीज़ें मैंने अपने लिए ले ली थी, नगेट्स वगैरह, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है और ये चीज़ें मैं बहुत शौक से खाती हूँ। तो जब ही मैंने यहाँ पर ये चीज़ें ले ली थी, 3-4 तरह के नगेट्स वगैरह मैंने यहाँ पर ले लिए थे, और क्रिस्पी जो चिकन होता है वो भी ले लिया था मैंने यहाँ पर, ये देखें, और बहुत सही प्राइस में था, इतना ज़्यादा प्राइस नहीं थे इसके, सही प्राइस था। तो मैंने यह नगेट्स लिए थे, और उसके साथ मैंने यहाँ पर क्रिस्पी जिंगर ले लिया था, सॉरी क्रिस्पी चिकन ले लिया था, और साथ में मैंने ये 2-3 और ले लिए थे, 3 लिए थे मैंने। तो ये मैंने अफ़ान को देखें ये बैठे हुए, इनको हमने इसके अंदर इसलिए बिठा दिया था, वरना ये दो उधर सही वाला भागते फिरते अफ़ान। और ये देखें यहाँ पर ये मोज़रेला स्लाइस चीज़ यानी को लेना था, तो और उन्होंने कहा बर्गर के लिए वो ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन मैं हम लोग तो यही डालते थे, लेकिन वो न्यू आई है, उन्होंने कहा उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। ये देखें यहाँ पर ये दिखा रही थी बर्गर स्लाइस है, और उसका टेस्ट जो आया बहुत थोड़ा सा चिल्ली टाइप का है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर देखें हम क्रॉकरी की साइड पर आए थे, कितनी ज़बरदस्त क्रॉकरी आई हुई है, और ये प्लेट आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और भी बहुत सारी वैरायटी आई हैं यहाँ पर, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ये, तो ये भी देखें। तो उसके बाद चलें फिर आगे चलते हैं, आनी को और भी कुछ लेना था, तो देखते हैं फिर आगे और क्या लेना है उन्हें। दरअसल यहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बना रही थी तो वो मना कर रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई है, और अफ़ान को देखें ये लेस लेकर आ गए, कब से ज़िद कर रहा था अफ़ान की लेस चाहिए लेस चाहिए, तो फाइनली इन्होंने लेस ले लिया है। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, 2 का सेट है ये। तो आनी को यहाँ पर लेना था, ट्रे लेनी थी, तो आप लोग ने एक मेरी बर्गर रेसिपी में ट्रे देखी होगी, वो मैं यहीं से लेके गई थी इस टाइप की, तो ये आनी को बहुत पसंद आई थी, मेरी खाला है उनको मैं आनी कहती हूँ, तो ये बहुत अच्छी लगी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं भी फिर ऐसी ले लेती हूँ, तो इत्तेफाक से यहाँ पर मिल चुकी है वो, तो उन्होंने ये ले ली है, और इसकी मैचिंग की छोटी कटोरियाँ भी आ गई हैं, पहले यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी अब आ चुकी है, और ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी आनी ने लिया है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर क्रॉकरी आई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनर सेट कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कांच के डिनर सेट हैं। तो अब हम दूसरे सेक्शन में आ गए थे, यहाँ पर सारी बॉटल्स थी, तो और अफ़ान बॉटल देखकर फैल गए, और मुझसे कह रहे थे कि महकापी मुझे ये वाली बॉटल चाहिए, ये देखें ये वाली इनको पसंद आ रही थी, लेकिन आनी ने कहा नहीं इसके पास ऑलरेडी 2 बॉटल्स हैं, लेकिन हर दफ़ा इनको बॉटल्स का दिल करता है, तो ये देखें ये वाली पसंद कर रहे थे कि ये वाली चाहिए मुझे। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ गए थे शूज़ की लाइन में, और ये पंपी देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, तो मैं तो शूज़ पहनी हुई थी, तो मैंने तो नहीं पहन कर देखी, तो आनी ने पहन कर देखी थी, ये देखें ये वाली मेरी खाला ने पहन कर देखी थी, तो अच्छी लग रही थी, और इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं थे इसके। और यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्त ये चप्पलें आई हुई हैं, और इतनी सॉफ्ट हैं ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये चप्पल। और ये देखें यहाँ पर शॉलें भी बड़ी ज़बरदस्त आई हुई थी, ये शॉलें इतनी गर्म और इतनी अच्छी, मतलब सही प्राइस पर थी, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, तो आनी ने ये वाली शॉल ली थी, क्योंकि इनका एक सूट था उससे मैच कर रही थी ये शॉल, तो अफ़ान कह रहे थे नहीं ये वाली लेते हैं। और ये देखें ये न्यू वैरायटी आई थी सर्दियों की, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, लेकिन लगने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन इसको पहनना थोड़ा मुश्किल है, तो लिहाजा यहाँ पर आ गए थे हम। तो यहाँ अफ़ान हमें घसीट कर लेकर आ गए थे कि मम्मा यहाँ पर चलो, यहाँ पर चलो टॉयज़ पे,
तो यहाँ पर ये गन की ज़िद कर रहा था कि भाई मुझे गन चाहिए, लेकिन ऑलरेडी इसके पास गन मौजूद थी तो इस वजह से आनी ने इसको नहीं दिलाई, क्योंकि ऑलरेडी दो उसके पास गने थी और इसने उसको तोड़ फोड़ दिया था। फिर ये छोड़कर फिर ये आगे जाने लगा था अफान। देखिए यहाँ पर और बहुत सारे टॉयज आए हुए थे न्यू, और बहुत ज़्यादा, जितने भी इंसान बड़ा हो जाए लेकिन टॉयज देखकर तो दिल करता ही है। तो ये देखें बारबीज वगैरह के भी कितने ज़्यादा टॉयज आए हुए हैं, यहाँ पर भी देखें बहुत सारे आए हुए। और अफान को देखें, ये यहाँ पर इसे पूछ रहे थे कि ये कितने का है और ये कितने का है। देखिए हमने सामान ले चुके हैं तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो जाते हुए अफान ने कहा हमें गोलगप्पे खाने हैं और चाट, मेरे फेवरेट है गोलगप्पे और चाट, तो मैंने यहाँ पर खाए क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बंद हो चुका था, आप लोगों को पता है 8 बजे तक बंद हो जाता है, तो फिर हमें यहाँ पर ही गोलगप्पे और चाट खानी पड़ी। और फिर हम वापसी में आनी के घर पर वापस आए थे तो आनी ने भी ऑलरेडी छोले बनाए हुए थे और यहाँ पर आलू गोश्त बनाया हुआ था और रायता चावल, और यहाँ पर इन्होंने कबाब बनाए हुए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब।